हाउ टू टेक बेटर फोटोज विथ योर फोन। स्टेप वन, सबसे पहले अपना फोन साफ कर लो कॉटन के कपड़े से, बिकॉज उसमें फिंगरप्रिंट ऑयल बहुत कुछ लगा रहता है। स्टेप टू, अगर कैमरा में प्रो मोड है तो फिर वो यूज करो, बिकॉज उससे तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। एंड अगर नहीं है तो डोंट वरी, सब्जेक्ट पे टैप करो, देन एक्सपोजर एंड फोकस लॉक कर दो, और ये जो स्लाइडर होता है उसको नीचे खींच के एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन कर दो। स्टेप थ्री, अगर तुम्हारे पास लाइटिंग गियर है तो यूज करो, और अगर नहीं है तो घर में जहाँ पे सबसे बड़ी विंडो है वहां पे जाके सब कुछ सेट करो, बिकॉज विंडो इज लाइक फ्री बिग सॉफ्ट सोर्स ऑफ लाइट। स्टेप फोर, और ये कोई टिप नहीं, एक एडवाइस है, और मैंने ये बहुत बार नोटिस भी किया है कि स्टार्टिंग के 10 मिनट फोटोज एकदम ओके, मतलब मीडियोकर आएंगे, ठीक है, तो 10 मिनट में गिव अप नहीं कर देना है, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करो, थोड़ा ट्वीक करो, धीरे धीरे तुम्हारे फोटोज अच्छे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 5 इज एड एलिमेंट। ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको डायरेक्ट वुड पे रख दूं तो ये बहुत ही प्लेन बोरिंग सा वाइब देगा, एंड हमको वो नहीं चाहिए। सो ट्राई टू एड डिफरेंट एलिमेंट जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, डिस्ट्रैक्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी केसियो की विंटेज वॉच थी, तो मेरे पास विंटेज कैमरा था, तो मैंने वो यूज किए, मैंने आजू बाजू रखे, और उसका जो बॉक्स था मैंने वो भी यूज किया। एंड नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट, एडिट। लाइटरूम में ले जाके फोटो को मस्त एकदम विंटेज वाइब देना है, मतलब जैसा भी तुम्हारा प्रोडक्ट हो वैसा वाइब देना है। हियर आर सम रिजल्ट। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें शूट करना, तो ये एक्सक्यूज वैलिड नहीं है कि तुम्हारे पास गियर नहीं है, एक्चुअल में तुम्हारे पास स्किल नहीं है। वाह, थोड़ा डायलॉग बाजी भी कर डाला रील में।